हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बाजू के फंदे बढ़ाना और ऊपर शोल्डर में इसके फंदे घटाकर कैसे गुलाई देनी है शोल्डर में, वो मैं आपको बनाना दिखाऊंगी। ये मैंने जाली वाला डिजाइन डाला है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बना के दिखाया है। अगर आपको ये देखना है कि मैंने ये डिजाइन कैसे डाला है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को उधर देख सकते हैं। ये सबसे पहले मैंने ये बाजू के मैंने 44 फंदे लिए हुए हैं और फिर मैंने ये 6 लाइन जो है बॉर्डर की बना ली है और फिर ये मैंने ऐसे ही ऊपर तक सिंपल बनाया हुआ है। ये बॉर्डर बनाने के बाद मैंने ऊपर तक यहाँ तक मैंने 44 फंदे जो हैं ऐसे ही बनाए हुए हैं। फिर मैंने इधर से बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये साइड में मैंने ये 6 लाइनें ये और 6 लाइनें ये, 6 सीधी और 6 उल्टी मैंने ये लाइनें बनाई हुई हैं। फिर उसके बाद मैंने ये सीधी लाइन में मैंने फंदा बढ़ाया एक और फिर जब उल्टी लाइन आनी है तो फिर मैंने दूसरी तरफ से मैंने भी फंदा बढ़ा लेना है। ऐसे ही मैंने एक सीधी लाइन में फंदा बढ़ाना और फिर दूसरा उल्टी लाइन में मैंने फंदा बढ़ाना है। ऐसे ही मैंने 4 लाइन जो है बना लेनी है, एक सीधी, एक उल्टी और फिर एक सीधी और एक उल्टी। ऐसे मैंने 2 लाइनें सीधी और 2 उल्टी बना लेनी है। फिर मैंने दूसरा जो है दूसरी बार फंदा बढ़ाना है, एक सीधी तरफ और फिर लाइन बना के मैंने एक उल्टी तरफ फंदा बढ़ा लेना है। ऐसे इसमें मैंने फिर मैंने 2 सीधी लाइनें और 2 उल्टी लाइनें बना लेनी है। फिर मैंने फंदा जो है बढ़ा लेना है, एक सीधी लाइन में और एक उल्टी लाइन में। ऐसे ही मैंने ऐसे फंदे बढ़ाते जाना ऊपर तक। आपको जितने फंदे चाहिए उतने बढ़ा लेने हैं। ऐसे ही बना के 4 लाइनें बना के आप 2 सीधी और 2 उल्टी बनाने के बाद आप जो है फंदे बढ़ा सकते हैं। और फिर बढ़ाने के बाद ये मैंने 76 फंदे जो हैं कर लिए। अब मैंने जो इसके शोल्डर की गुलाई देनी है वो मैं आपको बनाना दिखाती हूँ कि कैसे उसकी गुलाई देनी है। ये आपने जब तक फंदे जो है घटाते जाना जब तक आपकी अच्छी तरह बाजू की शेप ना बन जाए ऊपर तक। ऐसे शुरू में मैंने 3 फंदे घटाने हैं, एक हो गया, ये 2 और ये 3 फंदे जो है मैंने घटा दिए। पहले मैंने 3 फंदे सीधी लाइन में घटाने हैं, फिर 3 फंदे जो मैंने उल्टी लाइन में बढ़ाने हैं। ये 3 फंदे जो मैंने घटा लिए, अब सारी लाइन जो मैंने ऐसे ही बना लेनी है और बीच में अपना जो डिजाइन मैंने चलाया हुआ है ये जाली वाला वो चला लेना है और पूरी लाइन ऐसे ही बना लेनी है। इसमें आगे कोई फंदा नहीं घटाना है। ये लाइन मैं आपको आगे बना के दिखाती हूँ। ये मैंने जो लाइन कंप्लीट कर ली है, शुरू में मैंने 3 फंदे घटा के अब उल्टी लाइन में इधर भी मैंने 3 फंदे जो हैं घटा लेने हैं। ये 2 फंदे मैंने एक साथ बनाने, फिर ये फंदा फिर इसी में डाल के फिर आगे के 2 फंदे जो हैं ऐसे ही घटाने। ये 3 फंदे जो हैं मैंने घटा लिए हैं। अब ये उल्टी लाइन भी मैंने सारी ऐसे ही उल्टी ही बना लेनी है। ये सारी लाइन ऐसे ही बनानी है आगे तक मैंने। ये मैंने उल्टी लाइन जो है ये भी बना ली। अब मैं सीधी लाइन में, ये मैंने पिछली लाइन में मैंने 3 फंदे जो हैं घटाए, 3 सीधी में और 3 उल्टी में। अब दूसरी लाइन में मैंने 2 फंदे जो हैं घटाने हैं, एक ये 2, मैंने 2 ही फंदे घटाने हैं। फिर जो आगे लाइन मैंने ऐसे ही बना लेनी है, 2 फंदे सीधी में और 2 उल्टी में घटाने हैं। ऐसे मैं 2 लाइनें जो कंप्लीट करके बताती हूँ। ये मैंने अब सीधी लाइन में भी 2 फंदे उल्टे
दो फंदे घटा दिए हैं और उल्टी लाइन में भी मैंने दो फंदे घटा दिए हैं। अब मैं सीधी लाइन में मैं आपको फिर से एक फंदा घटा के बताऊंगी। पहले मैंने तीन घटाए फिर दो, अब एक फंदा जो मैंने घटाना है ये। अब ये सारी लाइन मैंने ऐसे ही बना ले रही है। एक फंदा मैंने सीधी में घटाया और एक ही फंदा मैंने उल्टी साइड भी घटाना और फिर बाकी सारी लाइन ऐसे ही बनानी है। ये मैंने तीसरी बार जो है एक एक फंदा घटा दिया, एक सीधी में और एक उल्टी में मैंने एक फंदा घटा दिया। अब अगली लाइन में मैंने भी एक ही फंदा घटाना, एक सीधी में और एक उल्टी में, जैसे मैंने पिछली लाइन में घटाया। पहले शुरू में मैंने तीन घटाए फिर दो फिर एक, अब फिर से मैंने एक ही फंदा घटाना है ऐसे, और फिर सारी लाइन वैसे ही बना लेनी है मैंने। ऐसे ही मैंने अब ऊपर मैंने सारी लाइनों में मैंने एक एक फंदा इधर से घटाना है और एक एक फंदा इधर से घटाना है, ताकि हमारी बाजू की ये शेप जो है ऊपर शोल्डर की शेप जो है ऐसी गोल आ जाए, ऐसे गोल शेप आ जाए। हमने ये तब तक एक एक फंदा घटाते जाना है जब तक हमारे इधर सेंटर में ये बराबर फंदे बच जाए। जितने हमने इधर से घटाने हैं उतने ही हमने इधर से और फिर बीच में भी उतने ही फंदे हमारे बच जाने चाहिए, ताकि तभी हमारी जो है गोल शेप इसकी आ सकती है और फिर हमारी बाजू जो है बहुत प्यारी इसकी शेप बनेगी। ये मैं आपको ऊपर तक बना के दिखाती हूँ, एक एक फंदा घटा के यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। ये हमने सारे ऊपर तक एक एक करके दोनों तरफ से एक एक करके फंदे जो हमने घटा दिए हैं और फिर हमारे ये फंदे जो हैं बचे हुए हैं। अब ये फंदे हमने बंद कर देने हैं इधर ही, फिर हमारी जो ऐसी शेप आ जाएगी। मैं आपको बंद करना बताती हूँ। हमने ऐसे दो दो फंदे जो एक साथ लेने हैं, फिर ये फंदे जो हमने इसी में डाल देना है, फिर हमने दो फंदे ऐसे इसी में डाल देना, सारे आगे तक हमने जो है ऐसे बंद कर लेना है। ये फंदा इसी में डाल के फिर हमने दो दो करके ऐसे जो पूरी लाइन हमने बंद कर देनी है। ये मैं आपको आगे तक बंद करके बताती हूँ। ये लास्ट का फंदा हमारा जो बचा है, हमने इसको ऐसे बंद कर देना है। ये धागा काट के हमने ऐसे निकाल लेना है। हमारे फंदे जो अब बंद हो गए और हमारी बाजू जो बन के तैयार हो गई। ये जब आप इसको सिलेंगे तो ऐसी सिलाई आएगी हमारी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।